बरेली के इज्जत नगर में स्थित भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान या इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट को लोग IVRI के नाम से जानते हैं। बरेली और उसके आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले और दूर दूर से यहां आने वाले पशुपालकों के लिए ये संस्थान उनका मित्र और मार्गदर्शक है, पर शायद कम ही लोग जानते हैं कि ये संस्थान उससे भी कहीं ज्यादा है। पशुपालन के व्यवसाय द्वारा आर्थिक जीवन को सुदृढ़ करके पशुपालकों के जीवन में क्रांति लाने का सारा श्रेय IVRI को जाता है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान की जड़ें 100 वर्षों से भी अधिक पुरानी हैं। इसकी शुरुआत हुई 9 दिसंबर 1889 में, जब पुणे शहर में इंपीरियल बैक्टीरियोलॉजिकल लेबोरेटरी का बंबई के राज्यपाल द्वारा शिलान्यास किया गया। सर दिनशो मॉनिकजी पेटेडबार्ट जैसे मानव प्रेमी ने इस प्रयोगशाला के लिए 5.5 एकड़ जमीन दान में दी। ये प्रयोगशाला भारत की ऐसी पहली प्रयोगशाला थी जो आधुनिक विचार और तकनीकी के आधार पर वैज्ञानिक अनुसंधान और शोध के लिए स्थापित की गई थी। इंपीरियल बैक्टीरियोलॉजिकल लेबोरेटरी का उद्देश्य था रिंडरपेस्ट और कैटल प्लेग जैसी खतरनाक महामारियों की स्थिति को निर्धारित करना। जल्द ही एंथ्रेक्स जैसी महामारी से पशुधन को बचाने के लिए पास्चर्स एंथ्रेक्स वैक्सीन के निर्माण की जरूरत भी महसूस की गई और इस दिशा में कुछ प्रयोग किए गए। कुछ ही समय में रिंडरपेस्ट सीरम को विकसित करने की संभावनाओं पर विचार किया जाने लगा। 1891 में डॉक्टर अल्फ्रेड लिंगर्ड को इंपीरियल बैक्टीरियोलॉजिस्ट के पद पर नियुक्त किया गया, पर 2 साल के भीतर ही पुणे जैसे घनी आबादी वाले क्षेत्र में खतरनाक महामारियों के कीटाणुओं के संग किए जाने वाले प्रयोगों से लोगों को खतरा पैदा होने की संभावना को महसूस किया गया और 1893 में इंपीरियल बैक्टीरियोलॉजिकल लेबोरेटरी को हिमालय पर्वत श्रृंखला के कुमाऊ पर्वतों में 1500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित मुक्तेश्वर में स्थानांतरित कर दिया गया। अनुसंधान के कार्य के लिए जरूरी लोहे की बड़ी बड़ी भारी भरकम मशीनें और इमारत के निर्माण का सामान खच्चरों की पीठ पर लादकर इन ऊंचे पहाड़ों की खड़ी चढ़ाई पर खतरनाक पैदल रास्तों से ऊपर तक लाया गया। दुनियादारी छोड़ अंग्रेज वैज्ञानिकों का एक बड़ा जत्था पहाड़ के ऊपर देवदार के जंगलों में रहकर पशु कल्याण के भले काम में जुट गया। बर्फ से ढके हिमशिखरों के बीच वन्य जीवन से भरे देवदार और चीड़ के जंगलों का प्राकृतिक वातावरण और ठंडा मौसम इस अनुसंधान के लिए बहुत उपयुक्त साबित हुआ। डॉक्टर लिंगर्ड के अनुरोध पर डॉक्टर रॉबर्ट कॉक, फाइफर और गैफकी जैसे 3 जाने माने यूरोपीय बैक्टीरियोलॉजिस्ट्स ने 1897 में भारत आकर मुक्तेश्वर का दौरा किया और रिंडरपेस्ट की रोकथाम और बचाव के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी। फौरन ही रिंडरपेस्ट सीरम के निर्माण का कार्य शुरू हो गया और 1899 में इस वैक्सीन की पहली घानी निर्मित की गई। 1901 से 1906 के दौरान एंथ्रेक्स, हेमरेजिक सेप्टिसीमिया और टिटनस के सीरम, ब्लैक वाटर की वैक्सीन और इक्वीन ग्लैंडर्स नाम की बीमारी के परीक्षक सफलतापूर्वक निर्मित किए गए। गर्मी के मौसम में सीरम और वैक्सीन को ठंडा रखने के लिए उन्हें यहाँ बने इस कोल्ड रूम यानी शीत कक्ष में बर्फ भरकर रखा जाता था। आज इस कोल्ड रूम की जरूरत खत्म हो चुकी है क्योंकि इसकी जगह रेफ्रिजरेटर्स ने ले ली है। पर जाड़े के मौसम में बर्फ गिरने पर आवागमन में बाधाएं उत्पन्न होने के कारण सर्दियों में प्रयोग एवं अनुसंधान का काम जारी रखने के लिए बरेली के निकट करगैना में एक उपकेंद्र की स्थापना की गई। 1907 में लिंगर्ड की जगह होम्स ने ली। होम्स के कार्यकाल में वैक्सीन्स का निर्माण बढ़ा और इजिप्ट, सूडान और रोडेशिया जैसे विदेशों में भी सीरम और वैक्सीन्स सप्लाई की जाने लगी। उन्होंने शोध कार्य का बहुआयामी विस्तार किया और करगैना में बने उपकेंद्र के विस्तार की जरूरत पड़ने लगी। जगह छोटी पड़ने के कारण इज्जत नगर में 306 हेक्टेयर के भूमिखंड पर 1915 में केंद्र दोबारा स्थापित किया गया। खतरनाक महामारियों के जीवाणुओं के साथ शोध कार्य करते हुए वैज्ञानिकों ने संक्रमित होकर अपनी जान भी गंवाई। होम्स के बाद कार्यभार संभालते हुए A.W. शिल्स्टन नामक असिस्टेंट बैक्टीरियोलॉजिस्ट के 19 महीने के कार्यकाल का अंत घोड़ों की बीमारी ग्लैंडर्स के संक्रमण के कारण हुई उनकी मृत्यु से हुआ।
पर पशुपालकों के बड़े हित में शोध कार्य चलता रहा। डॉक्टर ए एल शीथर के कार्यभार संभालने के साथ ही इंपीरियल बैक्टीरियोलॉजिस्ट के पद का नाम बदलकर डायरेक्टर एंड फर्स्ट बैक्टीरियोलॉजिस्ट रख दिया गया। शीथर के समय में तपेदिक और बोवाइन लेम्फिंजाइटिस जैसी बीमारियों और कुछ परजीवियों पर महत्वपूर्ण शोध कार्य किया गया और भारत में भैंसों में होने वाले मलेरिया पर पहली रिपोर्ट तैयार की गई ताकि उस पर भी शोध किया जा सके। पहली बार जोन्स डिजीज की तरफ डॉक्टर शीथर ने ही ध्यान दिलवाया। 1920 तक करगना सेंटर की नीलामी हो चुकी थी और इज्जत नगर का केंद्र हरकत में आ चुका था। डॉक्टर जेटी एडवर्ड्स के कार्यकाल में 1921 में वेटरिनरी ऑफिसर मिस्टर टीएम डॉयल ने पहली बार पोल्ट्री में होने वाली न्यू कासल डिजीज का विस्तृत वर्णन दिया। 1925 में इंपीरियल बैक्टीरियोलॉजिकल लेबोरेटरी का नाम बदलकर इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ वेटरनरी रिसर्च या IIVR रख दिया गया। डॉक्टर जेटी एडवर्ड्स ने पशु चिकित्सा के अनुसंधान में एक नए युग की शुरुआत की। पायरोप्लाज्मोसिस, थिलीरियासिस और खरगोश एवं बकरी में होने वाले रिंडरपेस्ट यानी पोंखनी पर शोध हुआ। सुर्रा बीमारी के इलाज के तरीकों में सुधार लाया गया। फील्ड वर्क पर जोर दिया गया। शोध कार्य और उसके नतीजों के आंकड़ों का विधिवत अंकन और देश भर से लाए गए पैथोलॉजिकल नमूनों का विधिवत संकलन किया जाने लगा। शोध कार्य को बेहतर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। इसी दौरान एक पैथोलॉजिस्ट मिस्टर एच कूपर ने पोल्ट्री में होने वाली महामारी रानीखेत का विस्तृत वर्णन दिया। 1931 में सर फ्रैंक वेयर ने डायरेक्टर का पद संभाला और मुक्तेश्वर में पैथोलॉजी, सेरोलॉजी और प्रोटोजुआलॉजी इन तीन विभागों में शोध कार्य आयोजित किया। पशु आहार, कुक्कुट शोध एवं पशु वांशिकी ये तीन नए विभाग स्थापित कर इनकी जिम्मेदारी IIVR इज्जत नगर को दी गई। 1936 में एक बार फिर इसका नाम बदलकर इंपीरियल वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट या IVRI रखा गया। 1938 में कुछ हरियाणा गायों और मुर्रा भैंसों के साथ पशुधन उत्पादन प्रबंधन विभाग स्थापित किया गया। उद्देश्य था इन प्रजातियों की उत्पादन क्षमता में सुधार करना। 1939 में डॉक्टर F.C. मिनट IVRI के आखिरी अंग्रेज डायरेक्टर बने जो 15 अगस्त 1947 तक इस पद पर रहे। इस दौरान उन्होंने भारतीय विश्वविद्यालयों में पशु चिकित्सा विज्ञान पढ़ाए जाने के लिए भूमिका बनाई। जुलाई 1945 में पशु वांशिकी विभाग की स्थापना के साथ ही पशु चिकित्सा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी उपलब्धि हाथ लगी। ये थी कृत्रिम गर्भाधान यानी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन या AI। अलग अलग पशुओं के नरों के वीर्य को इकट्ठा करने, उसका मूल्यांकन करने, उसकी तनुता बढ़ाने और संरक्षित करने के तरीकों पर अनुसंधान किया गया और कृत्रिम गर्भाधान द्वारा मादा पशुओं को गाभिन करने के तरीके खोजे गए और सफलतापूर्वक अपनाए गए। अन्य कई सफलताओं के अलावा सूखी मादाओं का दुग्ध उत्पादन हार्मोन थेरेपी द्वारा और आयोडीन युक्त प्रोटीन खिलाकर बढ़ाने में भी सफलता मिली। सन 1975 में स्थापित पशु पुनरुत्पादन विभाग ने इसी दिशा में कार्य को आगे बढ़ाते हुए अपना दायरा और विस्तृत किया। पशुओं में प्रजनन और पुनरुत्पादन संबंधी स्वास्थ्य समस्याओं पर महत्वपूर्ण अनुसंधान किया गया। गाभिन मादाओं में गर्भधारण को शुरुआती अवस्था में ही पहचानने की तकनीक का विकास हुआ जिससे पशुपालकों को व्यावसायिक लाभ की संभावनाएं बढ़ी। 1947 में 15 अगस्त को भारत आजाद हुआ। संस्थान के नाम में से इंपीरियल शब्द हटा दिया गया और इसका नया नाम पड़ा इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, पर अक्षर वही थे IVRI यानी भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान। इसके पहले भारतीय डायरेक्टर बने डॉक्टर एस दत्ता। 1954 में आए डॉक्टर लक्ष्मी सहाय, जिनके कार्यकाल में भारत सरकार ने युद्ध स्तर पर टीकाकरण कार्यक्रम द्वारा रिंडरपेस्ट यानी पोंखनी के उन्मूलन के लिए सफलतापूर्वक विस्तृत अभियान चलाया और इस महामारी को जड़ से उखाड़ फेंका। 1958 में डॉक्टर PG पांडे डायरेक्टर बने। उनके कार्यकाल में संस्थान में पशु विज्ञान परास्नातक महाविद्यालय की स्थापना हुई जिसमें विभिन्न विषयों में मास्टर ऑफ वेटरनरी साइंस की डिग्री दी जाने लगी। 26 जनवरी 1959 को
पालमपुर में IVRI के क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना हुई, जिसका उद्देश्य था नॉर्थ वेस्ट ह्यूमिड हिमालयन रीजन यानी हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तरांचल जैसे पर्वतीय क्षेत्रों में पशुओं की आहार संबंधी समस्याओं की पड़ताल करना। 70 के दशक के आखिर में इस केंद्र को क्षेत्रीय पशुओं की बीमारियों की जांच और डायग्नोसिस का काम भी सौंप दिया गया। आज यहां आहार संबंधी समस्याओं की पड़ताल, क्षेत्रीय संसाधनों पर आधारित आहार तंत्र के विकास और क्षेत्रीय वनस्पति पर आधारित विषाक्तता और कुपोषण की पड़ताल जैसे विषयों पर शोध चल रहा है। इसके अलावा क्षेत्रीय पशुधन में होने वाले रोगों तथा उनके लक्षण पहचान कर डायग्नोसिस करने की उच्च स्तरीय तकनीक के विकास पर भी शोध चल रहा है। यहाँ पशुपालकों को पशु रोगों के लक्षणों और पोषक पशु आहार के विषय में जानकारी दी जाती है और उनसे लगातार संपर्क में रहते हुए उनसे फीडबैक लिया जाता है, ताकि उनकी जरूरतों को ही शोध का आधार बनाया जा सके। यहाँ हो रहे शोध से पहाड़ी इलाकों में पशुओं के आहार, पोषण, कुपोषण, रोगों आदि के विषय में अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी निकलकर सामने आई है। 1961 से 1963 के दौरान डायरेक्टर डॉ. H.D. श्रीवास्तव के नेतृत्व में काम करते हुए उनकी टीम को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR ने रफी अहमद किदवई अवार्ड से पुरस्कृत किया। इसी दौरान IVRI इज्जतनगर में संपूर्ण पैथोलॉजी विभाग की स्थापना भी की गई। जुलाई 1966 के बाद डॉ. C.M. सिंह के 16 वर्ष के कार्यकाल में विभागों की संख्या 7 से बढ़कर 22 हो गई, जिसमें पशु चिकित्सा विज्ञान से संबंधित लगभग सभी विषय सम्मिलित थे। 1970 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की सिफारिश पर IVRI की एक छोटी सी इकाई कलकत्ता के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हाइजीन एंड पब्लिक हेल्थ में स्थापित की गई। इसका उद्देश्य था छात्रों को पढ़ाना और मास्टर ऑफ वेटनरी पब्लिक हेल्थ में डिग्री कोर्स चलाना। फिर इस इकाई को सुदृढ़ किया जाने लगा, ताकि ये क्षेत्रीय समस्याओं को सुलझाने के साथ साथ महामारियों का सर्वेक्षण और दूसरे पशु रोगों और जूनोटिक्स पर शोध कार्य भी कर सके। रेबीज नामक बीमारी पर शोध में विशिष्ट योगदान के कारण इस इकाई को पूर्वी एवं उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए रेफरेंस सेंटर का दर्जा दिया गया। 1971 में संस्थान में वेटनरी पब्लिक हेल्थ विभाग की स्थापना हुई, जिसका उद्देश्य था पशु चिकित्सा की जानकारी एवं संसाधनों को जन स्वास्थ्य के कार्यों में लगाना। इस विभाग के अनुसंधान कार्य पर आधारित तमाम महत्वपूर्ण खोजों में एक थी लगातार पशुओं के संपर्क में रहने वाले मनुष्यों को पशु रोगों के कारण होने वाली स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को स्थापित करना। अपनी विशिष्ट उपलब्धियों के कारण इस विभाग को अनुसंधान एवं प्रशिक्षण के लिए WHO के कोलैबोरेटिंग सेंटर का ओहदा मिला और दक्षिण पूर्वी एशिया के लिए इसे FAO और WHO के नेशनल ब्रुसेलोसिस रेफरेंस सेंटर की भी मान्यता मिली। ये विभाग इन्फोटेरा के अंतर्गत पर्यावरण सूचना के स्रोत के रूप में पंजीकृत भी किया गया। 1972 में ही बेंगलोर में भी IVRI का एक कैंपस स्थापित किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य था खुरपका मुपका यानी फुट एंड माउथ डिजीज या FMD की वैक्सीन का उत्पादन और उस पर शोध एवं विकास, पशु रोग अनुसंधान तथा प्रसार गतिविधियां। उच्च स्तर की FMD वैक्सीन के उत्पादन के लिए 1989 में IVRI बेंगलोर को BID मैड्रिड स्पेन ने इंटरनेशनल गोल्ड स्टार अवार्ड से नवाजा। यहाँ के 5 वैज्ञानिकों ने इंडियन वेटरनरी जर्नल में सर्वोत्तम अनुसंधान लेख लिखने के लिए इनाम भी प्राप्त किए। 1972 में ही तत्कालीन राष्ट्रपति श्री VV गिरी के द्वारा IVRI इज्जतनगर में एक मॉड्यूलर लेबोरेटरी का शिलान्यास किया गया। डॉक्टर सिंह के ही कार्यकाल में भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान ICAR के राष्ट्रीय संस्थान के रूप में मान्य हुआ और उसे डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिए जाने के लिए सभी औपचारिकताएं पूरी की गईं। 1973 में IVRI का एक और क्षेत्रीय सेंटर श्रीनगर में स्थापित किया गया, जिसका उद्देश्य था भेड़ों में डिक्टियोकॉलस फाइलेरिया द्वारा होने वाली परजैविक ब्रोंकाइटिस की रोकथाम। इस सेंटर के प्रयासों के फलस्वरूप 6 हफ्ते के मेमनों को इरेडिएटेड लंगवर्म वैक्सीन लगाना उत्तर पश्चिमी हिमालय क्षेत्र के भेड़ पालकों में एक आम रिवाज बन चुका था और आज लगभग 50,000 मेमनों को सफलतापूर्वक टीके लगाए जा चुके हैं।
इसके अलावा बर्फीले क्षेत्रों में आहार संरक्षण तथा क्षेत्रीय पशुधन के जर्मप्लाज्म में सुधार और उसके संरक्षण का कार्य भी यहाँ किया गया। पर 1990 में ICAR के फैसले पर इस सेंटर को मुक्तेश्वर कैंपस में स्थानांतरित कर दिया गया। IVRI इज्जतनगर में 1975 में प्रयोगात्मक औषधि एवं शल्य चिकित्सा विभाग की स्थापना की गई और काफी बढ़ जाने पर 1993 में इन्हें दो स्वतंत्र विभागों में बांट दिया गया, औषधि विभाग और शल्य चिकित्सा विभाग। और 1998 तक ये विभाग इतने विकसित हो चुके थे कि ये पशुपालकों को आधुनिक पशु चिकित्सा से संबंधित हर प्रकार की परीक्षण तकनीकी और उपचार उपलब्ध कराने के लिए बिल्कुल तैयार थे और तब रेफरल पॉलीक्लिनिक की स्थापना की गई। आज इस पॉलीक्लिनिक में 60 से अधिक रोगों का उपचार उपलब्ध है। देश के कोने कोने से रोज 50 से भी अधिक पालतू पशु इलाज के लिए यहां आते हैं और औषधियों एवं शल्य चिकित्सा द्वारा इन्हें स्वास्थ्य लाभ दिया जाता है और परीक्षण के लिए पैथोलॉजी, एक्सरे, एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, ECG, अल्ट्रासाउंड और ब्लड प्रेशर नापने जैसी सुविधाएं भी इन्हें उपलब्ध हैं। जनवरी 1976 में पक्षी रोग विभाग की स्थापना की गई, जिसका काम था बंधन में रखे जाने वाले पालतू पक्षियों के रोगों, विशेषकर श्वास संबंधी रोगों पर अनुसंधान करना। धीरे धीरे अनुसंधान का दायरा बढ़ता रहा। विभाग के वैज्ञानिकों ने एग ड्रॉप सिंड्रोम, इन्फेक्शियस पर्सल डिजीज, मैरक्स डिजीज, लीची डिजीज, एवियन ल्यूकोसिस वायरस, क्वेल पॉक्स, जापानी बटेर में साल्मोनेला टाइफेम्यूरियम, कबूतरों में रानीखेत और बैंटम फाउल्स में पॉक्स जैसी बीमारियों पर महत्वपूर्ण अनुसंधान किया और कई महामारियों और रोगों के वैक्सीन का निर्माण और उनके इस्तेमाल के तरीकों में सुधार भी किया। आज ये विभाग खुद में एक संस्थान का रूप ले चुका है, जिसे हम सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी पक्षी अनुसंधान संस्थान या कैरी के नाम से जानते हैं। आज ये संस्थान वांशिक अभियंत्रिकी द्वारा पक्षियों की बेहतर प्रजातियां विकसित करने में और मुर्गी पालन के नए नए विकल्प देने में सफल हुआ है और बड़े स्तर पर कुक्कुट पालन करने वाले व्यवसायियों के लिए कैलिफोर्निया हाउस आदि जैसी प्रबंधन की नई नई तकनीकों पर अनुसंधान कर रहा है। डायरेक्टर डॉक्टर PN भट्ट के कार्यकाल के दौरान 1984 में नेशनल बायोटेक्नोलॉजी सेंटर की स्थापना हुई और संस्थान ने डीम्ड यूनिवर्सिटी के रूप में कार्य शुरू किया। 1985 में IVRI के अंतर्गत भोपाल में हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज लेबोरेटरी की स्थापना हुई और 3 साल बाद लैब में काम करना शुरू कर दिया। ये लैब पूरी तरह से सूक्ष्म जीवाणु सुरक्षित था और इसका उद्देश्य था आयात हुए पशुओं की एक्जोटिक या विदेशी प्रजातियों के साथ आई उन बीमारियों से निपटना जिनसे हमारे देशी पशुधन और पोल्ट्री को खतरा हो सकता था। ऐसे खतरों का एक ज्वलंत उदाहरण है बर्ड फ्लू। 22 अक्टूबर 1990 को डीम्ड यूनिवर्सिटी ने अपना पहला कॉन्वोकेशन मनाया और 9 दिसंबर 1990 को अपने अस्तित्व की शताब्दी पूरी करने के अवसर पर एक विशेष कॉन्वोकेशन का आयोजन किया गया, जिसमें तत्कालीन राष्ट्रपति श्री R. वेंकटरमन ने संस्थान से जुड़े कई पशु चिकित्सा वैज्ञानिकों को सम्मानित किया। 1997 में डॉक्टर ओम सिंह तोमर ने कार्यभार संभाला और पशु उत्पादन एवं प्रबंधन, पशु चिकित्सा जैविक तकनीकी और पक्षी रोगों में भी डॉक्टरल कार्यक्रम शुरू किए गए। पशु आहार एवं पोषण विभाग ने पशु आहार को अधिक पाच्य, पोषक और स्वादिष्ट बनाने पर और चारे की कमी वाले मौसम में अपारंपरिक आहार को प्राण रक्षक आहार की तरह प्रयोग करने के तरीके ढूंढने पर शोध कार्य किया। इसके अलावा वनस्पतियों में पोषण और विषाक्तता के गुण और पशुओं के शरीर के लिए जरूरी पोषक तत्वों की खोज पर भी इस विभाग में शोध कार्य किया गया। IVRI परिसर के भीतर ही 412 एकड़ में फैला चारा फार्म लगभग 2000 पशुओं के लिए रोज 250 से 300 क्विंटल हरा चारा उपलब्ध कराता है। यहाँ रोज 3-4 एकड़ में चारे की कटाई होती है और फिर बुआई होती है, जो साल के 365 दिन लगातार चलती है ताकि चारे की कमी न होने पाए। साल भर 10 से 12 हजार टन चारा इस फार्म से प्राप्त होता है, जिसमें से 100 टन सूखे चारे और पशु चॉकलेट के रूप में संरक्षित कर लिया जाता है और 1200 टन हरा चारा अपने हरे और रसीले रूप में संरक्षित किया जाता है, जिसे साइलेज कहते हैं।
IVRI के वन प्राणी संरक्षण विभाग ने 1986 में इज्जत नगर परिसर में ही वन प्राणी उद्यान की स्थापना की और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के वन प्राणियों जैसे बारासिंघा, हिरन, चीतल, ब्लैक बक, गेंडा, व्हाइट टाइगर आदि की जनगणना कर उनकी संख्या में लगातार होती कमी प्रमाणित की और कुछ पशुओं के प्रजनन, प्रबंधन और वैज्ञानिक अनुसंधान का बीड़ा भी उठाया। विभाग ने वन प्राणियों में होने वाले रोगों और परजीवी संक्रमणों का पता भी लगाया। भारत के पशुधन में पाई जाने वाली महामारियों के क्षेत्रानुसार प्रभाव के आंकड़े इकट्ठे करना और उनका लेखा जोखा रखने के लिए 1971 में एपिडेमियोलॉजी विभाग की स्थापना की गई। शोध एवं अनुसंधान करने वाले इन विभागों के अलावा वैज्ञानिकों के कार्य को सुविधाजनक बनाने के लिए और IVRI में कार्यरत मानव संसाधन के हित के लिए संस्थान में कुछ और जन कल्याण की सुविधाएं स्थापित की गईं। संस्थान के कम्युनिकेशन सेंटर में 1986 से अब तक नियमित रूप से छपने वाले IVRI वार्षिक रिपोर्ट, त्रैमासिक न्यूज़लेटर्स और परस्नातक सूचना बुलेटिन के अलावा विभिन्न विषयों पर 37 मोनोग्राफ्स और बुलेटिन्स छप चुके हैं। संस्थान में हुए सारे शोध कार्य और अनुसंधान का लेखा जोखा रखने, संस्थान में कार्यरत सारे मानव संसाधन से संबंधित आंकड़े जमा करने और आर्थिक हिसाब किताब रखने का काम कंप्यूटर सेंटर करता है। संस्थान के पुस्तकालय में कुल मिलाकर 1.5 लाख से अधिक पठन सामग्री उपलब्ध है, जिसमें 45,000 पीरियोडिकल्स और 12,000 किताबें हैं। ये पुस्तकालय भारत का सबसे पुराना और सबसे बड़ा पशु चिकित्सा विज्ञान का पुस्तकालय है, जिसमें सन 1800 में छपी पुरानी और नायाब किताबें भी हैं। संस्थान की प्रयोगशालाओं में इस्तेमाल हो रही बड़ी छोटी मशीनों और संस्थान की इमारतों और पानी बिजली जैसी सुविधाओं के रखरखाव की जिम्मेदारी इंजीनियरिंग सेक्शन की है। संस्थान में पिछले 100 वर्षों से हो रहे अनुसंधान एवं शोध कार्य को सार्थक बनाने के लिए 1970 में प्रसार शिक्षा विभाग की स्थापना की गई, जिसने प्रयुक्त अनुसंधान के लाभकारी नतीजों को लाभार्थियों तक पहुंचाने का काम किया। किसानों एवं पशुपालकों की समस्याओं को